आईपीएल का 21वां मैच लखनऊ और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। लखनऊ के लिए केएल राहुल और डिकॉक ने पारी की शुरुआत करी। केएल राहुल ने इस मैच में 31 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। केएल राहुल की यह पारी बहुत ही धीमी रही। केएल राहुल के बाद में मार्कस स्टोइनिस ने भी इस मैच में 43 बॉल में 58 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। स्टोइनिस का साथ दिया निकल्स पूल ने। निकल्स पूल ने भी 22 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 33 रन की पारी खेली। इनकी पारी के चलते लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 113 रन बनाए और गुजरात की ओर से उमेश यादव ने इस मैच में 2 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दूसरी पारी में गुजरात के लिए साई सुदर्शन और शुभम गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आई। साई सुदर्शन ने इस मैच में 23 गेंदों में 31 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन इसके अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज टिक्के नहीं खेल सका। अंतिम ओवरों में राहुल टेवटे ने भी 25 गेंदों में 30 रन बना के टीम को जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल टेवटे भी आउट हो गए और गुजरात टीम इस मैच में 19 ओवर में 130 रनों पर आउट होगी और लखनऊ की टीम ने यह मैच 33 रन से अपना नाम कर लिया। इस मैच में लखनऊ के बॉलर यश ठाकुर ने 5 विकेट झटके, जिसके लिए यश ठाकुर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर करें।